नमस्कार, मैं रविकुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी इंडिया। हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी मौजूद हैं जो भाजपा से प्रवक्ता हैं। उनसे बातचीत करेंगे चुनावों को लेकर और किस तरह के प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और मुकाबला होने वाला है। लक्ष्मीकांत जी, हमसे जुड़ने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। सर, किस तरह का चुनावी माहौल है, क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी है, किसका हल्का है, क्या लगता है कि जो वोटर है वो किस तरह की व्यवस्था को देखने वाला है? देखिए, पलड़ा तो उसमें तो तराजू में जो वजन है वो एक ही तरफ है और जो बयार है वो एक ही तरफ बह रही है। राजस्थान का चुनाव पूरी तरह एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह यहाँ से चुनाव जीत रही है और रिकॉर्ड बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। कांग्रेस पार्टी के शासन में पिछले 5 साल में जो अनाचार अत्याचार की घटनाएं हुई है, जिस तरह अराजकता हुई है, जिस तरह तुष्टिकरण हुआ है, जिस तरह भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरह बहन बेटियों के अपमान हुए हैं यहाँ पे, उसको लेकर राजस्थान की जनता उद्वेलित है और 25 नवंबर का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। जी, किस किस तरह के मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतार रही है भारतीय जनता पार्टी? ये समझिए कि ये चुनाव जो है वो राजस्थान की जनता लड़ रही है और राजस्थान की जनता इसलिए लड़ रही है कि राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा होगा जिस जो इस सरकार की प्रताड़ना का शिकार नहीं हुआ हो। आप ये मानकर चलिए कि राजस्थान में जिस तरह भ्रष्टाचार हुआ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि राजस्थान नंबर 1 है भ्रष्टाचार के मामले में, महंगाई के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है, जिस तरह की अपराध की घटनाएं महिला अत्याचार के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 है, महिला दुष्कर्म के मामले में नंबर 1 पर है, दलित अत्याचार के मामले में नंबर 1 पर है, बिजली की कीमतों के मामले में नंबर 1 पर है, पेपर लीक के मामले में नंबर 1 पर है। तो इतनी सारे जो कलंक राजस्थान के माथे पर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लगाए हैं, वो राजस्थान की जनता इन सब के खिलाफ मतदान करने वाली है। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि ये चुनाव राजस्थान की जनता लड़ रही है। जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का यहाँ दौरा रहा, उन्होंने कहा कि कमल के फूल को ही चेहरा माना जाए, तो क्या लगता है कि किसी एक मजबूत चेहरे को पेश ना करके केवल कमल के फूल को ही पेश करना, कहां तक चुनावी जो बागडोर है इसके अंदर मजबूती दिखेगी? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि कमल का फूल क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह है और प्रधानमंत्री उसका चेहरा है। और आप ये मान के कलेक्टिव लीडरशिप जो है भारतीय जनता पार्टी की, उसको लेकर हम मैदान में जाएंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस मजबूती के साथ चुनाव लड़ में तैयारी में जा रहा है या लोगों के बीच में जा रहा है, क्योंकि उसको इस निरंकुश सरकार को, इस अत्याचारी सरकार को राजस्थान से विदा करवाना है और एक लोक कल्याणकारी सरकार, विकासोन्मुखी सरकार राजस्थान में लेकर आनी है। कहीं कहीं विरोध के स्वर भी देखने को मिल रहे हैं, तो क्या लगता है कि क्यों विरोध? ये स्वाभाविक है राजनीति में। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और लोग 5 वर्षों से 10 वर्षों से 15 वर्षों से काम करते हैं, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20-25-25-30-30 लोग टिकट मांगते हैं, अपनी मेहनत भी करते हैं। स्वाभाविक रूप से टिकट एक ही व्यक्ति को मिलनी होती है, तो कुछ लोगों को उसको उसमें उनका विरोध झलकता है। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि 200 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई सीट नहीं थी जहां पर दर्जनों लोग टिकट नहीं मांग रहे हो। वो सारे के सारे लोग आज प्रत्याशी, पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में लगकर उनको चुनाव जिताने में लगे हुए। कहीं छिटपुट एक दो जगह पर इस तरह की बात है, लेकिन हमारे अपने लोग हम समझा लेंगे। मोटा मोटा आंकड़ा अगर देखा जाए तो कितनी सीटों पर जीतेगी भाजपा? 2013 में भारतीय जनता पार्टी 163 सीटों के साथ जीत